फ्रेंड्स नमस्ते, राम राम सा। मिनल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मैंगो मस्तानी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये और बनाना भी बहुत आसान है इसको। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही लिमिटेड है और गर्मी में अगर आपने मैंगो मस्तानी नहीं खाई तो फिर तो आपका वैकेशन आधा अधूरा है। तो ये महाराष्ट्र की फेमस डिश है, इसको हम आज बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। अगर आपके बच्चे बोलते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बनाओ इसको और ज़रूर बताओ ये रेसिपी, क्योंकि इनको ये गर्मी में बोलते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा ठंडक और मैंगोज हर सीज़न में तो मिलते नहीं है, तो इसको एटलीस्ट हम इस समय यूज़ कर सकते हैं एकदम अच्छे से और महाराष्ट्र की स्पेशल डिश का आनंद भी ले सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट एंड इफ यू लाइक दिस रेसिपी सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए मैंने ये दो मैंगोज लिए हैं, आधा लीटर दूध लिया है। आप ये जैसे चार लोगों के लिए हो जाएगा, आप चाहो तो इसको अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और ये मैंने 3 टेबलस्पून शुगर ली है। अगर आपके आम मीठे कम हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो और अगर आम मीठे हैं ज़्यादा तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो क्वांटिटी वाइज। और ये मैंने केसर का सिरप लिया है, ये मैंने 1/4 टेबलस्पून लिया है। ये मैंने फुल क्रीम ली है और ये 1/2 कप जितनी ली है। और यहाँ पर मैंने कुछ रोस्टेड आलमंड्स को कट किया है, ये मैंने लगभग 1/4 कप लिया है। और मैंने आइसक्रीम ली है। आइसक्रीम आप हर एक ग्लास में जितने ग्लास बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डाल सकते हो, एक एक स्कूप डाल सकते हो। सो लेट्स मेक इट। तो सबसे पहले हम आम को कट करेंगे, इसके छिलके निकालेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 2 आम लिए हैं उसमें कुछ टुकड़े तो मैं एकदम बारीक कट करूँगी उसको गार्निशिंग के लिए, और जो कुछ टुकड़े हैं उसको मैं बड़े बड़े कट करूंगी ताकि इसको ग्राइंड कर सके। सो लेट्स मेक इट। ये मैंने मैंगोज को कट कर लिया है, ये थोड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है और इसको मैंने एकदम बारीक टुकड़ों में कट कर लिया ताकि इसको गार्निश कर सके। तो अभी हम सबसे पहले मैंगोज को मिक्सी में डालेंगे। इसके साथ शुगर डालेंगे, केसर सिरप डालेंगे, मलाई डाल देंगे और अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूध मिलाऊंगी ताकि अच्छे से ग्राइंड हो सके। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध मिलाएंगे। ये मैंने लगभग 1/2 ग्लास जितना दूध और मिलाया है और अच्छे से ये देखिए हमारा मैंगो मस्तानी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे, अभी फिलहाल तो मैं इसे 2 ग्लासेस में ही डालूंगी। सो ये हमने 2 ग्लास लिए हैं, सबसे पहले मैं इसके नीचे थोड़े मैंगोज डाल दूंगी। मैं मैंगो मस्तानी ऐड करेंगे, पहले थोड़ा ही ऐड करना है ताकि हम इसमें और बीच में थोड़े से मैंगोज और थोड़ी सी आइसक्रीम इसमें ऐड कर सके। इट विल लुक वेरी नाइस। अब ऊपर से मैं और थोड़ा सा जूस ऐड करूंगी। आप चाहो तो शक्कर टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब ज़्यादा और मिलाना है तो मिला सकते हो, तो पहले थोड़ी ही मिलाओ आम टेस्ट करके। अब इसमें मैं थोड़ी और आइसक्रीम ऐड करूंगी।
इट्स फुल ऑफ व्हाइट क्रीम, यू नो बच्चे इंजॉय करेंगे ये रेसिपी। मेरे पास स्कूप नहीं है इसलिए मैं स्पून से डाल रही हूँ, अगर आपके पास स्कूप है तो आप उससे भी डाल सकते हो, बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। तो वी हैव एडेड लॉट्स ऑफ आइस क्रीम इन इट एंड क्रीम, इट मीन्स फुल ऑफ क्रीम, इट्स वेरी नाइस डिश। और इसके ऊपर हमने रोस्टेड आलमंड्स थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट्स, अगर डार्क चॉको चिप्स है तो वो भी कर सकते हो। सो लुक एट दिस, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल।